सभी को मेरा नमस्कार। मैं मनोज सुराजी। आज की वीडियो, कल की वीडियो मैंने कहा था जबरदस्त थी, और जबरदस्त वास्तव में कल की वीडियो जबरदस्त थी, क्योंकि बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया आपका। लेकिन लोगों में बड़ी सब्र की बड़ी कमी है। मैं बता दूं, कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये सब बेकार की बातें छोड़ो और उस पर आ जाओ, किस पर, कि कैसे मिलेगी पेंशन। और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भाई तुम तो कह रहे थे पेंशन बढ़ेगी, अब तुम कह रहे हो कि पेंशन पेंशन के नाम पर लूट हो रही है, और पेंशन कभी तुम पेंशन बढ़ाने की बात करते हो, कभी कहते हो कि पेंशन बढ़ जाएगी, और कभी कहते हो पेंशन ख़त्म ही हो जानी चाहिए। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम ये बात करेंगे कि कैसे मिलेगी पेंशन। और ये वीडियो सिर्फ उसी के लिए है कि, और देखिए, हम लोग ना सीधा सीधा मलाई खाना चाहते हैं, लेकिन मलाई खाने से पहले, क्रीम निकालने से पहले दूध की, दूध को मथना पड़ता है। दूध को, दूध की एक प्रक्रिया होती है, और उस प्रक्रिया के जरिए अगर मलाई बनेगी ना, तो वो स्वाभाविक रहेगी, वो ठीक रहेगी। अब सिर्फ मलाई मलाई खाना जो लोग चाहते हैं ना, उनको बदहजमी हो जाती है, क्योंकि वो फिर उस प्रक्रिया से गुजर के नहीं आए होते हैं। जीवन के अंदर अगर बिगर संघर्ष के सफलता मिल जाए, तो वो संघर्ष नहीं होता। क्लास में भी जब बच्चा पढ़ता है, तो पहली क्लास से लेके अंतिम क्लास तक जाता है। जो लोगों को ऐसा करना चाहिए, लोगों को थोड़ा सब्र रखना चाहिए। मैंने कहा ना कि मैं सारी बातें करूंगा, टोटल 4 वीडियो आएंगी, अभी 2 वीडियो गई। पहली वीडियो थी क्या क्या मिलेगी पेंशन, तो बिल्कुल 100% मैंने कहा कि हाँ मिलेगी पेंशन, क्योंकि पेंशन तो मिलनी है, आपका हक और अधिकार है, उसे कौन रोक पाएगा। और बढ़ के मिलेगी, यस बढ़ के मिलेगी, वो बात हो गई। दूसरी वीडियो में हमने बात की कि भाई क्यों मिलनी चाहिए पेंशन, तो उसका कारण दिया कि मोटा मोटा कारण ये है कि भाई आपके पैसे जमा है, इसलिए मिलनी चाहिए पेंशन। आज की जो वीडियो है, उसमें हम बात करेंगे कैसे मिलेगी पेंशन, और जो कल की वीडियो होगी, उसमें हम बात करेंगे कि कब मिलेगी पेंशन, वो तारीख, और वो तारीख हम और आप डिसाइड करेंगे। कल से मेरा मतलब है जब भी अगली वीडियो बने, लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे मिले पेंशन, इसी विषय के इर्द गिर्द रहेगी। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं, अलग अलग तरीके लेके आते हैं पेंशन, लेकिन पेंशन के लिए, कि पेंशन बढ़ाने के लिए ये करो वो करो, तो बहुत सारे तरीके हैं, उन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं हम। कुछ लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई आंदोलन करने से पेंशन मिलेगी, और आंदोलन के भी कई अलग अलग तरीके हैं। कोई कहते हैं उपोषण करो, कोई कहते हैं धरना प्रदर्शन करो, कोई कहते हैं पूरे देश को संगठित करो, कुछ लोग कहते हैं कि भाई नहीं, रेलें रोको, सड़कें रोको, कुछ लोग कहते हैं कि सरकार पर प्रेशर बनाओ, कुछ लोग कहते हैं पॉलिटिकल लोगों से जाके मिलो, उनको पत्र व्यवहार करो, कुछ लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाओ, कुछ लोग कहते हैं कानून का सहारा लो, वकीलों का सहारा लो, बुद्धिजीवियों का सहारा लो, कुछ लोग कहते हैं कि लोगों को सरकार के प्रति लामबंद करो, कुछ लोग कहते हैं विपक्षी पार्टियों को वोट दो। हमने भी कुछ बातें कही, हमने नोटा वाली बात कही, लेकिन आखिर कैसे मिलेगी पेंशन, कैसे हम जज करें कि पेंशन सच में क्या वो सही तरीका है। क्योंकि तरीका जब तक सही आपको नहीं पता होगा, दिशा और दशा सही नहीं होगी, तब तक आप उस काम में सफलता नहीं हासिल कर सकते। सबसे पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो आप, कौन देगा पेंशन, ये बड़ा यक्ष प्रश्न है, या कौन देता है पेंशन। आप फटाफट से जवाब दे दोगे, कुछ लोग कहेंगे जी वो तो सरकार देती है पेंशन, और कुछ लोग कह देंगे ईपीएफओ देता है पेंशन, कुछ लोग कह देंगे कि भाई पेंशन तो हमारा हक और अधिकार है, तो एक सिस्टम देता है हमें पेंशन। तो फिर मेरा वही सवाल है कि उस सिस्टम को चलाता कौन है। तो कुछ लोग कहेंगे भाई नेता पॉलिटिशियन चलाते हैं, कुछ लोग कहेंगे नहीं जी बीजेपी चला रही है, कुछ लोग कहेंगे इसलिए पेंशन नहीं मिल रही है, कुछ लोग कहेंगे कांग्रेस ने भी तो शुरू करी थी योजना नरसिम्हा राव के टाइम में, तब भी तो यही हाल था। तो कहने का मतलब ये है कि अल्टीमेटली इस सिस्टम से हमें पेंशन लेनी है, ये मोटी बात आपको समझ में आनी चाहिए। और सिस्टम यानी सरकार, और सरकार को जो चला रहा है वही पेंशन का जो टैब है, पेंशन की जो नलका है, पेंशन का जो नल है, उसका टैब खोलेगा, तब जाके हमें पेंशन मिलेगी।
तो असल मुद्दा ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि पेंशन देगा कौन। पेंशन देश की लीडरशिप देगी, पॉलिटिकल लीडरशिप देगी। आपको ये बात समझ में आई? तो आपको जो पेंशन मिलेगी वो नेता के जरिए मिलेगी। कुछ लोग कह रहे हैं क्या बेकार की बात कर रहे हो यार। आऊंगा मैं आपको पहले बेसिक्स पे लेके आ रहा हूँ ना, फिर आपको कहूंगा। तो कैसे मिलेगी उनको पेंशन? अगर देखिए, अगर लीडर अच्छा है, जनता को प्यार करता है, जनता का भला सोचता है, तो पेंशन मिल जाएगी। मिल जाती है ना पेंशन, अगर लीडरशिप ऐसी हो जो जनता को प्यार करे, मोहब्बत करे, जनता को माँ जैसे बच्चे को केयर करती है, तो समय पे खाना देती है, ऐसे अगर लीडरशिप हो तो क्या, तो तुरंत मिल जाएगी। मतलब जो लीडर अच्छा हो, प्यारा हो, जनता की केयर करने वाला हो, जिसमें सद्गुण हो, तो वो तो पेंशन दे ही देगा। उसके लिए चिल्लाने की क्या जरूरत है? उसे पता है कि इनका हक बनता है, इनके साथ बेईमानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दो, क्या कांग्रेस या बीजेपी वाले लीडर ऐसे लीडर हैं जो कांग्रेस को हो, बीजेपी के हो, सपा के हो, बसपा के हो, जिनमें माँ का भाव हो, जिनमें सच्चाई का भाव हो? क्या कोई भी सच्चा आदमी नेता बन सकता है? जो सच्चा आदमी निकलेगा आप ही गाली देने लग जाओगे उसको, चला है नेता बनने, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, नेता बनने चला है, इलेक्शन लड़ने चला है। अगर कोई आदमी सही काम के लिए इलेक्शन लड़ने जाएगा तो उसको गालियां देने लगते हैं लोग, या उसकी बुराई करने लगते हैं, उसका उपहास उड़ाने लगते हैं, उसके साथ जितना हो सकता है अत्याचार करने लगते हैं हम लोग। सच्चा आदमी तो जाता ही नहीं पॉलिटिक्स में। जो सबसे धूर्त, सबसे मक्कार, सबसे बेईमान, सबसे करप्ट हो, वही पॉलिटिक्स में आगे बढ़ता है। और उससे कैसे मिल जाएगी आपको पेंशन? भाई इन नेताओं से नहीं मिलेगी पेंशन। आप मेरी बात समझ रहे हो कि ये जो लीडरशिप है, जो करंट लीडर पॉलिटिकल लीडरशिप है, इसके सामने आप रो लो, इसके सामने गिड़गिड़ा लो, इसके सामने आप कुछ भी कर लो, मना लो, इसके सामने मतलब कोई लेटर लिख लो इसको, इन नेताओं, इन अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके लिए। तो जितने भी आंदोलन के तरीके हैं, बुजुर्ग लोग हैं, सड़कें तो रोक नहीं सकते, तोड़ फोड़ तो कर नहीं सकते, और करेंगे तो केस लग जाएगा बुढ़ापे में, चोट भी लग सकती है, लोगों की जान भी जा सकती है, तो ये तो तरीके हो ही नहीं सकते। जो हो नहीं सकता उसके बारे में बात करना व्यर्थ है कि आप कहीं रोक दोगे, आगजनी कर दोगे, ये सब चीजें आप कर नहीं पाओगे, तो इन सब चीजों को छोड़ देना ही बेहतर है। तो फिर कैसे मिलेगी पेंशन? क्या आप लग जाओ करो, 10 साल भी भूखे रह जाओ। जीडी अग्रवाल थे, गंगा जी के लिए, गंगा शुद्धि के लिए लड़ते रहे, और उसमें खाना त्याग दिया था उन्होंने, उनकी मृत्यु हो गई। किसी को फर्क पड़ा क्या? आपने नाम सुना है क्या? नहीं सुना होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनशन करते करते काल को ग्रसित हो गए, इनको फर्क नहीं पड़ता। ये नेता की खाल, ये मगरमच्छ की खाल है, ये गेंडे की खाल है, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या उपोषण करोगे क्या। तो मोटी बात घूम फिर के यही आती है कि फिर पेंशन मिलेगी तो मिलेगी कैसे? उसका एक ही तरीका है, कोई पॉलिटिकल पार्टी पेंशन देने को तैयार नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा फंड है। अगर पैसा देंगे ना ये, तो इनका बहुत सारे खर्चे रुक जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि इनकी पेंशनें, नेताओं की पेंशनें रुक जाएंगी, कुछ लोग कहते हैं ये फ्री में, मुफ्त में रेवड़ियां बांट रहे हैं, वो सब खर्चे बंद हो जाएंगे। अगर ये छेड़ते हैं ईपीएफओ को, तो इनको एक कहते हैं ना, एक काम देनू गाय जिससे लगातार ये दूध निकाल रहे हैं, वो सब कुछ इनके हाथ से चला जाएगा, करोड़ों लोगों तक उनका हक और अधिकार चला जाएगा, और इनके हाथ से वो छीन जाएगा। तो कोई भी सरकार नहीं करेगी इसको, फिर कौन करेगा? कोई वो कर सकता है जिसमें माँ का भाव, यानी कि पेंशनर, अगर पेंशनर सत्ता में हो, जिसने पेंशन का दुख भोगा हो, जिसने पेंशन का जो दर्द, क्या क्या कहते हैं ना, वो क्या जाने पीर पराई, जिसके खुद दर्द होता है ना वही दर्द जानता है, जिसके दूसरे को दर्द नहीं महसूस होता। तो जो पेंशनर है वही किसी तरह से अगर सत्ता में आ जाए, किसी तरह से अगर वो शक्ति में आ जाए, या किसी तरीके से वो माफ करिएगा, इस लेवल पर आ जाए कि वो कुछ कर सकते हो, कुछ करने लायक हो, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में आ जाए, वोट बैंक बन जाए या शक्तिशाली बन जाए, तब वो जाके पेंशन का काम करा सकते हैं। वरना ये जो फालतू के नेतागिरी चल रही है, झूठी मोट की झूठ मोट की नेतागिरी, इससे कोई फर्क नहीं है।
यही काम में हम लगे हुए थे और यही तरीका है कि राजनीतिक रूप से हम लोग इतने सशक्त हो जाएं, हम वोटर तो बने ही बने, साथ में हमारी लीडरशिप भी इतनी सशक्त हो जाए, इतनी मजबूत हो जाए कि हम किसी का भी गेम बिगाड़ने का मादा रखते हो। अभी मैं गेम बनाने की बात नहीं कर रहा, अभी हम पॉलिटिकली ये नहीं कह रहे कि हम पेंशनर को जिता देंगे, लेकिन हम इतने हो जाएं, इतने मजबूत हो जाएं, इतने सशक्त हो जाएं, इतने इतने बड़े हो जाएं, इतना बड़ा वोट बैंक बन जाएं कि हम एक तरफ जिसके ऊपर जिसके साथ चले जाएं उसकी नैया पार हो जाए, तब आप सोच सकते हो कि पेंशन मिल सकती है। मुफ्त में चले जाने से कांग्रेस के साथ, मुफ्त में चले जाने से बीजेपी के साथ, जाति पे वोट देने से, धर्म पे वोट देने से, अगर मुफ्त में वोट देते रहोगे, मुफ्त का मतलब है अन्य मुद्दों पे वोट देते रहोगे, तब कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए मैं कहता हूं कि ना कांग्रेस को वोट देने से पेंशन मिलेगी, ना विपक्ष को देने से वोट मिलेगी, वो तो तुम्हारे को मूर्ख बना के, जिनको बीजेपी से नफरत है ना, बहुत सारे लोगों को बीजेपी से बहुत नफरत है, उनके तो खून में ऐसा लगता है कि बीजेपी हो ही ना, तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि यार बीजेपी तो हटे, पेंशन मिले ना मिले, वो लोग आते हैं मेरे इसमें कमेंट बॉक्स में और कहते हैं बीजेपी को हराना, बीजेपी को हराना। अरे भाई, हमें पेंशन लेनी है, हमें बीजेपी को हराने से जिताने से मतलब नहीं। कुछ लोग कहते हैं कांग्रेस को हराना, कुछ भी हो जाए, पेंशन मिले ना मिले, जय श्री राम, हमको तो बीजेपी को ही जिताना है, बीजेपी को ही वोट करेंगे हम, तो उसे भी पेंशन से कोई मतलब नहीं है, तो वो मेरे कमेंट बॉक्स में क्यों आ रहा है? जिसको बीजेपी पेंशन, जिसके फर्क ही नहीं पड़ता पेंशन से, उसका उसकी कमेंट का मुझे क्या फर्क पड़ता है? घंटा फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता ना, आपको पढ़ना चाहिए। तो ऐसे लोग अब आ रहे हैं और मुझे खुशी है कि ऐसे लोगों को डर लगने लगा है, ये कमेंट में बढ़ गए। पहले सब सकारात्मक लोग थे, अब बड़े नकारात्मक लोग आ गए। वो क्या कहते हैं, उनके पास कुछ कहने को तो होता नहीं है। कोई कहता है मोदी का आदमी है, कोई कहता है राव उसका कांग्रेस का आदमी है, कांग्रेसी दलाल है, इस तरह की भाषा कहने लगे, क्योंकि अब इनको डर लगने लगा। इनकी 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 कहते हैं ना कि इनकी कलई खुलने लगी और ये अब समझ गए हैं कि यार अगर ये पेंशनर के नाम पे लोग इकट्ठे हो गए, एक साथ हो गए और ये सब जाति धर्म झंझट बंझट देशभक्ति फलाना ढिमका देशद्रोह ये सब चीजों से दूर हट गए और ये सिर्फ समझ गए कि भाई ये सब मूर्ख बनाने वाली चीजें हैं, असली काम तो हमारा काम है जिससे हमें रोज दिन ब दिन पाला पड़ता है, वो हम उसके मुद्दे पे वोट करेंगे, अपने मुद्दे पे वोट करेंगे, पेंशन के मुद्दे पे वोट करेंगे, क्योंकि वो हमारे जीवन को इफेक्ट कर रहा है और हमारा हक और अधिकार है, सत्य है, वो सत्य की लड़ाई है। अगर ये सत्य की लड़ाई लड़ना सीख गए और वोट करना सीख गए, तो मैंने तो वही तरीका अपनाया। मैंने कहा वोट करना सीखे तो सबसे पहले हमने कोशिश की कि हम अपने लोग जिताएं, हम सेनापति ढूंढे, नहीं मिल पाया हमें सेनापति, सैनिक बहुत मिले, सेनापति नहीं मिल पाए, ऐसे लोग, ऐसे मजबूत लोग नहीं मिल पाए। हमने कोशिश बहुत की, हमने दिल्ली में कोशिश की, नहीं मिल पाए तो मैं खुद चुनाव में उतरा और मुझे बहुत लोगों ने वोट किया। आपको बता दूं कि मैं 5वें नंबर पे था दिल्ली में, 52 कैंडिडेटों ने नॉमिनेशन फाइल किया था, उसमें से 21 लोगों का मतलब पर्चा सिलेक्ट हुआ, बाकी रिजेक्ट हो गए। तो 20 में से भी बड़ी बड़ी पार्टियां थी, उसमें आप लोगों ने मुझे 5वें पायदान पे पहुंचा दिया, 5वें नंबर पे। मेरे से ऊपर 2-3 बड़ी पार्टियां थी, बीजेपी थी और आम आदमी पार्टी थी और बसपा थी, एक पार्टी कोई और थी, मतलब ये 4 पार्टियां थी, बाकी जितनी भी पार्टियां हैं छोटी मोटी, इवन राज्य स्तर की पार्टियां भी मुझसे नीचे थी। तो इतनी शक्ति आपने एक अकेले आदमी को दे दी, ना जिसके पास टीम थी, ना जिसके पास पैसा था, तो ये शक्ति आपके पास है, ये सोई हुई शक्ति को पहचानने की कोशिश है। और ये शक्ति आपने हरियाणा में दिखाई, जब हरियाणा चुनाव था, आपने नोटा में वोट दिया तो असहयोग किया, तो आपकी वजह से बहुत सारी सीटों पे जिस पे बीजेपी जीत सकती थी रुक गई उसकी जीत, और बहुत सारी सीटों पे जो कांग्रेस जीत सकती थी या कांग्रेस हारी उन सीटों पे, वो कांग्रेस जीत सकती थी, वो भी आपकी वजह से ही रुक गई। तो आपने सबका नुकसान किया। कोई कहे कि हमने बीजेपी का नुकसान किया, कांग्रेस का नुकसान किया, हमने सबका नुकसान किया। और ये नुकसान, हमने किसी का नुकसान नहीं किया, हमने ये कहा कि देखो हम इतने सारे लोग हैं और जो हमारा साथ देगा, जो हमारी भी बात करेगा, जो पेंशनर की बात करेगा, पेंशनर का काम करेगा, वही देश पे राज करेगा, उसी को हम वोट दे देंगे। इतना सिखाना था आपको। और यही प्रयास को लेके फिर हम उतरे महाराष्ट्र में। तो मैंने महाराष्ट्र में क्या कहा, मैंने महाराष्ट्र में ये कहा कि भैया महाराष्ट्र चुनाव के अंदर सेनापति दे दो। 4-5 लोग आए, लेकिन 4-5 लोगों से जंग नहीं जीती जाती भाई। सेनापति नहीं है, सैनिक हैं,
तो जब तक सेनापति नहीं बनते तब तक तो क्या करेंगे बताइए आप? क्या अपना वोट कांग्रेस को देके इस्तेमाल करना जाए, मुफ्त में ही बिक जाए क्या? बिकने का मतलब ये है कि मुफ्त में किसी को किसी का फायदा उठा लें, किसी से इतनी हम घृणा करने लगे बीजेपी से कांग्रेस हमारा यूज कर ले। देखिए जो दुश्मनी होती ना वो अंधी होती है और हम अंधा नहीं बनना चाहते। हम किसी से ना कट्टर दुश्मन है ना किसी के कट्टर दोस्त हैं। हम अपनी पेंशन की बात पे अड़े गए, इसीलिए लोगों को पच नहीं रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि तुम अंधे होके वोट कर दो, एक बार बीजेपी को आंख बंद कर लो, एक बार बीजेपी को हरा दो। अरे भैया क्यों हरा दें हम बीजेपी को, या एक बार कांग्रेस को हरा दो? अंधे का कांग्रेस तो देशद्रोही है, ये है वो है, देश का बंटवारा करने वालों के साथ होती है। एक बार कांग्रेस को हरा दो, बीजेपी को मोदी जी का साथ दे दो, पेंशन का बाद में देख लेंगे बैठ के। अरे भैया क्यों दे दें तुम्हारा साथ? अब हम अपना मुद्दा प्रायोरिटी पे रखेंगे, अब हम अपने आप को आगे करेंगे और अब हम संगठित होकर वोट करना सीखेंगे। संगठन बनाना संगठित होके और अपने नेताओं की चमचागिरी करना, बहुत सारे लोग नेताओं की चमचागिरी करते थे, अब वो गायब हो गए क्योंकि उनके नेता मुंह छुपाए छुपाए घूम रहे हैं, महाराष्ट्र में नहीं दिख रहे ना अभी भी। एक और नई खबर आ रही है, खबर क्या आ रही है कि 6 तारीख को वो जी मीटिंग होने वाली है CBT की, फिर से मूर्ख बना रहे हैं। 6 तारीख कर लेना, कुछ नहीं होगा, फिर एक महीने के वोटिंग से पहले भी एक मीटिंग रख लेंगे। अरे ये अपनी मीटिंगें कर रहे हैं, अगर ये मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग की न्यूज आ रही है तो समझ लो अगर कोई खबर आ रही है पहले से आपको पता है ना तो वो खबर कभी सच नहीं होगी। जो जो मोदी का जो सोच है ना, मोदी की सोच है, वो कभी भी अपनी अपनी वो ना खबर डायरेक्ट देता नहीं है कि पहले वो खबर करेगा फिर उसको करेगा, अचानक वो आएगी खबर। मतलब आप रात को सो रहे होगे और सुबह खबर आ जाएगी आज बढ़ गई पेंशन, तुम कहोगे ना यार कोई खबर थी ना कुछ था, ये आ गया। मोदी का काम करने का तरीका ऐसा ही है, वो 3 कृषि कानून लाया तब भी अचानक ही आ गए, हटाए तब भी अचानक हटा दिए उसने, अभी जो ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए वो नई जो योजना लाए तब भी अचानक रातों रात, किसी को पता नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा, अचानक आ गई। तो ये अचानक काम करता है मोदी। मोदी कोई अगर वो अगर ये समझ लो कि अगर कोई खबर पहले से आ रही है कि इस मीटिंग है वो मीटिंग है तो समझ लो आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। ये मैं आपको एक गुरु मंत्र दे रहा हूँ किसी भी खबर को पड़ताल करने के लिए। खबर वही जो अचानक आए, जो खबर प्लांट की जा रही हो कि 6 तारीख को मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद ये निर्णय होगा, ये सब आपको ना बेवकूफ बनाने के लिए हो रही है। कल की मीटिंग में सरतिया आपको बेवकूफ बनाया जाएगा, कुछ नहीं निकलने वाला है। प्रस्ताव प्रस्ताव करेंगे, फिर कह रहे हैं हमने कुछ प्रस्ताव बनाया है, प्रस्ताव उनको भेज दिया है, फिर वो प्रस्ताव को लटका लुटकू के आपका इलेक्शन निकल जाएगा, महाराष्ट्र का इलेक्शन निकल जाएगा, फिर वो ठंडे बिस्तर में चला जाएगा। आप इस बात को समझो, आप संगठित हो जाओ, आप नोटा को पकड़ लो। और कैसे मिलेगी पेंशन? तो नोटा से ही वो काम होगा। नोटा से आप संगठित हो जाओगे, वोट बैंक बन जाओगे, तो हम एक बार इनको ये तो हम रियलाइज कराएं कि हम आपको हराया जिताने में सकते हैं। लोगों ने कुछ लोग तो पेंशन के बड़े बड़े नेता थे जिनसे मेरी पहले बात होती थी, अब तो नहीं होती, वो ये कहते थे किसी बड़े नेता के पास गए, बीजेपी के बहुत बड़ा नेता, कहते बीजेपी का दूसरे नंबर का नेता था वो, जिसका बड़ा नाम है, जिसका बयान है बटोगे तो कटोगे, ऐसा बयान है आप जानते होगे शायद, आप समझ गए हो किस नेता के पास। उस नेता के पास गए वो लोग और उन्होंने कहा कि भाई हम पेंशनर हैं, हम करोड़ों में हैं। कर तो उस बड़े नेता ने क्या बोला कि हमारे सबसे बड़े नेता ने कहा है कि हमारे पेंशनरों का वोट चाहिए ही नहीं, जिसे चाहे दे दो, लेकिन हम नहीं बढ़ाएंगे, साफ साफ सुन लो, हमें ऊपर से आदेश है, हम बोल भी नहीं सकते इस पर। तो जो बटोगे तो कटोगे वाला नेता था वो बोल रहा था कि भैया मैं क्या करूं, जब हमारा सुप्रीम नेता है, सबसे बड़ा नेता है हमारे माननीय मोदी जी, उन्होंने ही साफ साफ कह दिया है कि नहीं बढ़ाएंगे हम पेंशन। तो मैंने उन्हीं नेताओं से पीछ सीनियर EPS के नेता थे, वो सुन रहे होंगे मेरी बात, सत्य बोल रहा हूँ मैं, और उनको भी पता होगा, मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा, बड़े हमारे लिए सम्माननीय है, EPS के बड़े नेताओं में से एक है। तो मैंने कहा सर अभी ये आंदोलन उपोषण क्या कर रहे हो? कह रहे करें तो करें क्या बताओ, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, हम ऐसे मैंने तो ऐसे आंदोलन करते रहोगे जब साफ साफ आपको ये पता है कि वो पेंशन नहीं देंगे, आपको कह दिया स्पष्ट मुंह पे। ये भी देखिए उस इंसान की सच्चाई है,
जिस जो नेता है बीजेपी का बटोगे तो कटोगे वाला, उसने कम से कम मुंह से साफ तो कह दिया कि भाई तुम्हें जिसे चाहे वोट देना है, जो करना है कर लो, हम बढ़ा नहीं सकते क्योंकि हमारे को मोदी जी का आदेश नहीं है या मोदी जी ने संकेत कहा है कि इनसे मिलना भी नहीं है ढंग से, उनसे ज्यादा इनको बस ऐसे ही करते रहो, ये काम नहीं हो सकता, कुछ तो मजबूरियां हैं। अब बताओ ये साफ संकेत था, यानी आपकी जो लीडरशिप है उसको भी पता है वो जो सब सब काम कर रहे हैं उससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वो उनको ये लगता है कि यार ये पेंशन के नाम पे वोट नहीं करते हैं, बीजेपी को ये लगता है पेंशन के नाम पे वोट नहीं करते हैं, और कांग्रेस के पास तो कतई नहीं जाएंगे चाहे हमसे कितने भी नाराज हो जाएं। जो बीजेपी वाले हैं ना वो कभी कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, जो कांग्रेस वाले वो कभी बीजेपी को वोट नहीं देंगे। लेकिन मैंने बीच का रास्ता निकाला है, मैंने कहा कांग्रेस वाला बीजेपी को वोट नहीं देगा ना मत दे, नोटा में तो देगा या पेंशनर को तो देगा, इसी तरह बीजेपी वाला बीजेपी को वोट नहीं देगा तो क्या नोटा में तो देगा, कांग्रेस को नहीं देगा, बीजेपी को पसंद करने वाला कांग्रेस को वोट नहीं देगा लेकिन नोटा में तो देगा। मैंने बीच का रास्ता निकाला है और ये जो बीच का रास्ता है इसमें दो ही पड़ाव है, पहला नोटा, दूसरा अपने कैंडिडेट। नोटा से ही काम हो जाए क्या पता। और अब देखिए एक होता है विरोध और एक होता है संघर्ष। विरोध बहुत कर लिया आपने और विरोध से कोई दूसरा ही फायदा उठा ले जाता है। जब हम किसी का बहुत ज्यादा विरोध करते हैं तो अंधे हो जाते हैं और फिर कोई और दूसरा फायदा कर लेता है। अब हमें संघर्ष करना होगा पेंशन के लिए, और संघर्ष की जब बात कर रहे हैं तो संघर्ष के लिए हमें एक सरकार को क्लियर कट चेतावनी देनी होगी, एक तारीख निश्चित करनी होगी और उस तारीख के बाद हमें अपना संघर्ष एक अलग पायदान पे करना होगा। वो संघर्ष होगा सरकार को बदलने का और अपनी सरकार बनाने का। आप कहोगे पेंशनर कैसे बना लेगा सरकार, अरे पेंशनर छोटे स्तर पे बनाएगा, राज्य में बनाएगा, कहीं ना कहीं तो पेंशनर सफल होगा। और देखिए चिंगारी ना सोला बनते देर नहीं लगती। तो अब हम जो कल का वीडियो है उसके अंदर मैंने आज के वीडियो में तो साफ साफ क्लियर कर दिया कि जब तक हम राजनीतिक शक्ति नहीं बनेंगे, जब तक हम एक वोट बैंक नहीं बनेंगे, जब तक हम एक वोट देना नहीं सीखेंगे अपने मुद्दे पर, तब तक हमें पेंशन नहीं मिलेगी। तो वोट देने का ये महाराष्ट्र चुनाव है, ये दिखा दो कि हम एक साथ वोट दे सकते हैं और सबका खेल बिगाड़ सकते हैं। आपको सबका खेल बिगाड़ना है तभी आपका खेल बनेगा, तभी आपके पेंशन का काम होगा। वोट की शक्ति से, वोट की चोट से सबका खेल बिगाड़ दो और अपना खेल बनाने के दायरे में आ जाओ। इस अगली वीडियो में जब भी आएगी मेरी, उसमें मैं एक आपसे डिस्कस करूंगा और आपसे पूछूंगा कि इनको क्या टाइम दिया जाए, इनको एक हफ्ते का टाइम दिया जाए, इनको दो हफ्ते का टाइम दिया जाए, डिस्कस करेंगे बहुत सारी और एक तारीख देंगे और उस तारीख के बाद फिर हम इनसे पेंशन नहीं मांगेंगे। उस तारीख तक पेंशन दी तो दी, वरना सिंहासन खाली करो कि जनता आती है।